हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको आरसीसी में लिमिटेड स्टेट मेथड में सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम 250 इंटू 500 मिलीमीटर इफेक्टिव रिइंफोर्स्ड ऑन टेंशन साइड विथ 420 mm 5 bars एज्यूम कॉन्क्रीट M20 एंड माइल्ड स्टील। तो न्यूमेरिकल हो गया है, इसमें मैंने सॉल्यूशन इसका किया हुआ है, गिवन लिख लिया है, इसमें डाटा दिया है वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है। विथ ऑफ बीम स्मॉल बी इक्वल टू 250 मिलीमीटर, ये हमारे पास दिए, देखो ये यहाँ दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर इसका बीम का साइज दिया है 250 इंटू 500 mm। यहाँ पर 250 जो दिया है वो बीम की विथ ऑफ बीम दिए है, यानी इसकी चौड़ाई दी है बीम की 250 मिलीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पर 500 mm दिया, इफेक्टिव डेप्थ दिया, ये पीछे लिखा हुआ इफेक्टिव, तो मैंने यहाँ नोट कर लिया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम स्मॉल डी इक्वल टू 500 mm, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, रीइन्फोर्स्ड ऑन टेंशन साइड, यानी कि यहाँ पर रीइन्फोर्समेंट का यूज किया, टेंशन जोन में यूज किया है, इसका मतलब ये सिंगली रीइन्फोर्स्ड बीम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, यानी कि नंबर ऑफ बार्स दिए, नंबर ऑफ बार्स मैंने यहाँ नोट कर लिया, 4 कितने दिए हैं, 4 चार दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ, 20 mm डायमीटर बार्स दिया है, फाई का मतलब डायमीटर होता है, तो यहाँ पर डायमीटर कितना दिया है मैं यहाँ नोट कर लिया, डायमीटर ऑफ बार्स फाई इक्वल टू 20 mm, 20 mm दिया है। एज्यूम कॉन्क्रीट M20, यहाँ पर जो कॉन्क्रीट की कॉन्क्रीट जो दी है वो एज्यूम करना है M20, और यहाँ माइल्ड स्टील एज्यूम करना है, माइल्ड स्टील का मतलब Fe 250, ठीक है। तो यहाँ मैंने नोट कर लिया Fe इक्वल टू 20 Nm/mm². Fe क्या है, यहाँ पर Fe की एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये 20 Nm/mm² Fe हो गया, यहाँ दिया हुआ है, मैं बताया M20 दिया है ना, तो इसको अपन Fe इक्वल टू 20 Nm/mm² लिख लेंगे, ठीक है। Fy इक्वल टू 250 Nm/mm², Fy का जी कहाँ से आया, 250 कहाँ से आया, ये माइल्ड स्टील जो दिया है ना, माइल्ड स्टील का मतलब होता है Fe 250, यानी कि Fe 250, तो इसलिए Fy इक्वल टू 250 Nm² हो जाएगा, ठीक है। Fy का मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अब क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, क्योंकि इसने न्यूमेरिकल में बोला हुआ है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है हमको। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्टील AST से डिनोट करेंगे, तो AST इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ वन बार, तो ये एरिया ऑफ स्टील जैसे निकल जाएगा। नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 4 दिए, 4 दिए, ठीक है, देखो ये दिए नंबर ऑफ बार्स 4 दिए, तो इसलिए नंबर ऑफ बार्स की जगह 4 लिख लिया यहाँ पर, इनटू नंबर ऑफ बार्स का मल्टीप्लाई करना है एरिया ऑफ वन बार से, तो एरिया ऑफ वन बार 5/4 × 5² यानी कि डायमीटर का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AST इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स 4 है, ठीक है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ बार्स 4 दिए थे, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 × π/4 × 5 की जगह, 5 क्या है, डायमीटर ऑफ बार्स है, तो डायमीटर ऑफ बार्स कितना दिया है 20 mm, तो 5 की जगह हम क्या रख देंगे 20 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब AST कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्टील 1256.63 mm², तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ स्टील आ गया AST। उसके बाद हमको निकालना क्या है, अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU निकालना है, तो XU का फॉर्मूला होता है ये XU इक्वल टू 0.87 f/AST / 0.36 fc/b, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XU का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है हमने, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर H पर IS 456/2000 G1.1 page 96, ये कोड से मैंने IS 456/2000 कोड से लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोड ये दिया हुआ है, देखो ये कोड मैंने ओपन कर लिया है, IS 456/2000 वाला ये कोड है, ठीक है, RCC का कोड है ये, तो हमको यहाँ देखना है जी कौन सा पेज नंबर है, 96 पेज नंबर है ये, 96 पेज नंबर मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, ठीक है। और कौन सा यहाँ पर ये दिया है, एनेक्जर कौन सा है, जी एनेक्जर है, तो G1.1 वाला एनेक्जर मैंने यहाँ ओपन किया हुआ, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला दिया है, देखो यहाँ दिया है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, XU/D 0.87 f/AST / 0.36 fc/b, ये दिया है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, XU के लिए हम निकालेंगे जब, तो इसके ऊपर में D दिया है, तो यहाँ ये D दिया है, देखो ये दोनों D कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है,
इसे भी कैंसिल कर देंगे, इसे भी कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस टी अपन 0.36 एफ सी के इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ नोट कर लिया है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स यू इक्वल टू 0.87 इंटू एफ बाई की जगह 250, क्योंकि एफ बाई हमारे पास 250 दिया है, एफ बाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिया है। ये कहाँ से हमने लिया था, ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ दिया हुआ था, माइल्ड स्टील 200, माइल्ड स्टील का मतलब होता है एफ ई 250। ठीक है, इंटू ई एस टी, ई एस टी कितना दिया है, ये दिया है 1256.63, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ई एस टी की जगह 1256.63। तो एक यहाँ जिसके बाद नीचे क्या दिया है, 0.36 एफ सी की, एफ सी कितना दिया है, 20 दिया है। देखो ये दिया है एफ सी के 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जी एम 20 से हमने लिया था, तो एफ सी के 20 मैंने लिख दिया है। बी क्या है, विथ ऑफ बीम, यानी कि बीम की चौड़ाई है, कितना दी थी, विथ ऑफ बीम, विथ ऑफ बीम बी इक्वल टू 250 mm दिया था हमारे पास, 250, तो मैं यहाँ विथ ऑफ बीम की बी की जगह लिख दूंगा 250। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स यू यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी एक्स यू इक्वल टू 151.84 मिलीमीटर आ जाएगी। उसके बाद हमको निकालना क्या है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, इसे हम एक्स यू मैक्स बोलते हैं, एक्स यू लिमिट बोलते हैं, तो ये हमको निकालना है। तो एक्स यू मैक्स इक्वल टू 0.53 d हो जाएगा। ये किसके लिए होता है, ये हमारा होता है किसके लिए, जो हमारी स्टील की ग्रेड दी है 250, माइल्ड स्टील की जो ग्रेड दी है एफ 250, उसके लिए एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला होता है 0.53 d होता है। तो ये हमारा आई एस कोड से, इसे भी हम देख लेंगे, पेज नंबर जी कितने 70 पर दिया हो, 70 पर दिया है। ठीक है, तो मैं पेज नंबर 70 ओपन कर देता हूँ, आई एस कोड का पेज नंबर 70 पर, ये देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर, पेज नंबर 70 पर दिया है। ठीक है, आई एस कोड में ये दिया हुआ है एक्स यू मैक्स अपॉन डी, किसके लिए चाहिए अपने, 250 के लिए दिया है, भाई हमारे पास 250 है, तो कितना है 0.53 है एक्स यू मैक्स अपॉन डी की, लेकिन हमको एक्स यू मैक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स यू मैक्स इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.53 के में। ठीक है, तो एक्स यू मैक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 0.53 d हो जाएगा। ये कहाँ से लिया था हमने, ये भी हमने आई एस कोड से लिया था, तो यहाँ भी आप लिख लेना एच पर आई एस 456 2000। ठीक है, पेज 70 यहाँ से हमने ले लिया, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स यू मैक्स इक्वल टू 0.53 इंटू डी, डी क्या इफेक्टिव डेप्थ है, तो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास दी हुई है, गिवन है, कितना दिया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, डी इक्वल टू 500 mm, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इफेक्टिव डेप्थ यानी कि डी की 500। ठीक है, तो एक्स यू मैक्स हमारे पास आ जाएगा 265 mm आ जाएगा। अब क्या करना है, एक्स यू का और एक्स यू मैक्स का इन दोनों का कंपेरिजन करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्स यू की वैल्यू है 151.84 और एक्स यू मैक्स की वैल्यू है 265 mm, तो इनमें से कौन सी छोटी है, एक्स यू की वैल्यू छोटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा, अगर एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स तो क्या होता है, बीम कैसी होती है, अंडर रिइंफोर्स्ड बीम होती है। तो हमने लिख लिया एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स का मतलब क्या हो गया, द बीम इज अंडर रिइंफोर्स्ड। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि बीम हमारा कैसा है, अंडर रिइंफोर्स्ड बीम है, तो इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लगाना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ पर देखेंगे हम, पेज नंबर 96 पर, ये मैं लिखा हुआ है एच पर आई एस 456 2000 जी 1.1 पेज 96 पे। तो मैं आई एस कोड ओपन कर लेता हूँ पेज नंबर 96, तो ये आई एस कोड मैंने 456 2000 ले लिया है, और जी 1.1 पे हम देखेंगे पेज नंबर 96 है जी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे किसका फॉर्मूला देखना है हमको, एम यू का फॉर्मूला देखना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स यू अपॉन डी इज लेस देन, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स यू अपॉन डी इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू मतलब एक्स यू अपॉन डी, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तब हम क्या निकालेंगे, एम यू का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, 0.87 एफ बाय ई एस टी डी अपन माइनस ए एस टी एफ बाय अपन बी इन टू डी एफ सी के। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन थी वो कौन सी थी, अंडर इनपोस्ट सेक्शन थी, यानी कि एक्स यू लेस देन हमारा एक्स यू मैक्स था, तो इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एम यू का जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एम यू इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस टी डी ब्रैकेट में 1 माइनस ई एस टी एफ बाई अपन बी डी एफ सी के, ये फॉर्मूला यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एम यू इक्वल टू 0.87 एफ बाई 250 हमारे पास था, तो मैंने यहाँ एफ बाई की 250 लिख दिया, ई एस टी यानी कि एरिया है स्टील का वो कितना है 1256.63
हमारा आया तो मैंने यहाँ लिख दिया है। डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ, वो हमारे पास 500 थी तो मैंने यहाँ 500 लिख दिया है। ब्रैकेट में 1 माइनस एरिया, एस टी क्या है एरिया ऑफ स्टील है वो कितना है 1256.63, और एफ बाई कितना है हमारे पास एफ बाई 250 है, और यहाँ नीचे दिया है बी इंटू डी एफ सी के, तो बी कितना है 250 है और डी का इफेक्टिव डेप्थ 500 है और एफ सी के कितना है 20 है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा एम यू यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 119.48 इंटू 10^6 न्यूटन मिलीमीटर में आ जाएगी। अब क्या करना है हमको, इस एम यू की जो वैल्यू है इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोन्यूटन इंटू मीटर में। तो क्या करेंगे किलोन्यूटन मीटर में करेंगे इसकी वैल्यू कन्वर्ट, तो क्या करना पड़ेगा 10^6 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि 10^6 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1000 का दो बार नीचे डिवाइड कर दिया है, तो एम यू इक्वल टू कितना जाएगा 119.48 किलोन्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है क्योंकि न्यूमेरिकल में उसने एम यू निकालने के लिए बोला है यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टडी क्लास 247।